सबको नमस्कार करके मैं आरंभ करती हूँ। पर अभी मैं एक छोटी सी दूसरी घटना की मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ, और यह घटना है अभिमन्यु के वध की। चक्रव्यूह रचा द्रोणाचार्य ने ये कह करके कि आज के युद्ध में पांडवों की सेना का कम से कम एक महायोद्धा तो इसमें जरूर हताहत होगा। चक्रव्यूह को भेदने की कला जिसे आती है वह है अर्जुन और उसका सारथी श्री कृष्ण, लेकिन उन दोनों को घेर कर रखने का, उन दोनों को एंगेज करके रखने का जिम्मा जो है वह सुशर्मा उठाता है और कहता है कि आप गुरुजी, गुरुदेव, द्रोणाचार्य, सेनापति महोदय, आप परेशान मत हों, मैं इसका पूरा जिम्मा लेता हूं कि जो हमारी सेना है त्रिगर्त की सेना वो किसी भी तरह से अर्जुन को चक्रव्यूह के आसपास नहीं पहुंचने देगी, उसको दूसरी जगह हम घेर कर रखेंगे ताकि आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं। तो अब अभिमन्यु जब ये कहता है कि मैं चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए प्रस्तुत हूं और मैं चल रहा हूं, आगे जा रहा हूं, तो उसकी रक्षा कौन करे? तो पांचों पांडव और पांडवों के जितने भी दूसरे सदस्य हैं वे उसके साथ हो लेते हैं, लेकिन वो एक बात भूल रहे हैं कि पहले ही चक्रव्यूह के पहले ही दरवाजे पर जो जयद्रथ खड़ा है उसको एक वर ये मिला हुआ है कि दो घटी तक वह पांचों पांडवों को युद्ध में विमुख रख सकता है या दबा कर रख सकता है। इसलिए अभिमन्यु का रथ अकेला चक्रव्यूह के अंदर जाता है और फिर उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु का क्या होता है ये कथा हम सब जानते हैं। मुझे लगता है कि जब हम आज भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास उस चक्रव्यूह के भेदन की क्षमता ना हो, ऐसा नहीं है कि हम शौर्य में कहीं कम पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपना सामर्थ्य नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन शायद रणनीति में अगर हम कहीं ना कहीं अकुशल हैं या कमजोर पड़ रहे हैं तो हमारी संस्कृति शायद उस जगह पर पहुंच रही है जहां उसकी अवस्था अभिमन्यु के जैसी हो सकती है। इससे बचने के लिए हमें अपनी रणनीति को ठीक से देखना पड़ेगा। नीति और रणनीति दो शब्द हैं, दोनों का महत्व है और दोनों के लिए हमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इस प्रकार की तीनों नीतियों का विचार करना पड़ेगा